और इसमें देखा जा रहा है कि कांग्रेस राज वाले दो राज्यों में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ कर्नाटक के मंड्या में सांप्रदायिक तनाव बिगड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ हिमाचल के शिमला में विवाद मचा हुआ है अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही है। देखिए रिपोर्ट। राज्य दो हैं, तस्वीरें दो हैं, मगर हालात कुछ एक जैसे, क्योंकि सरकारें भी एक और पार्टी भी एक। कांग्रेस के राज में हिमाचल का बवाल थमा नहीं कि अब कर्नाटक सुलगने लगा है। राहुल के खास सिद्धरमैया जिस राज्य की कमान संभाल रहे हैं उस कर्नाटक का मांड्या नफरत की आग में जल रहा है। नागमंगला में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि दरगाह के सामने जुलूस पहुंचा तो कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। इसके बाद जुलूस निकालने वालों ने प्रदर्शन किया। हालात ये हो गए कि बवाल मच गया, दुकानों और गाड़ियों को फूंक दिया गया। गणेश विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी, इस दौरान पथराव किया जाता है और उसके बाद क्या कुछ हाल हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर फेंके गए थे वो भी अंदर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे जो अंदर फर्नीचर था, टेबल था, वो भी टूटी हुई बुरी तरीके से दिखाई दे रही है और ये शोरूम जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। इलाके में हालात तनावपूर्ण है क्योंकि आक्रोशित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने रात में लाठीचार्ज किया, दिन में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार घिर गई है, सियासत हो रही है क्योंकि कार्रवाई के नाम पर शिमला हो या मांड्या कुछ खास नहीं हुआ। कुछ लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कभी वो पथराबाजी आगजनी कभी त्योहार के समय ना करें, एक स्पष्ट संकेत और संदेश देने की जरूरत है। ये हम सनातनियों का जो हाल है वो बांग्लादेश के अंतर्गत अल्पसंख्यक का है और अपने देश में जहां हम बहुसंख्यक की परिस्थिति में हैं, भारत के अंदर वहां भी क्या किया जा रहा है। अगर हम कोई अपने त्योहार को मना रहे हैं तो उस पर पत्थर बरसाया जा रहा है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि सभी पार्टियां अपने मुंह में दही जमा करके बैठी होंगी। गणेश पंडाल पर पत्थर सूरत में भी बरसे थे, गुजरात सरकार ने पत्थरबाजों को सबक सिखाया, मगर कर्नाटक में नफरत के पत्थर चले और हिमाचल में अवैध मस्जिद पर एक्शन के लिए हिंदू संगठनों को सड़क पर आना पड़ा। तो अब मस्जिद कमेटी ने कमीशन से मुलाकात कर मान लिया है और अवैध मस्जिद का हिस्सा हटाने को तैयार है। करीबन 18-19 लोग आज कमिश्नर से मिले हैं, एमसी कमिश्नर से, और उन्होंने कहा है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर जो है वो इसको सील करने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी फैसला म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में इसके अवैध और ना अवैध होने पे जो आएगा, अगर उसको डिमोलिश करने की बात कल आती है तो उसका भी वो सम्मान करेंगे। दबाव बनाकर ही सही, अतिक्रमण पर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसी सख्ती हिमाचल हो या कर्नाटक पहले क्यों नहीं की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डॉक्टरों को विरोध के सामने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने क्या सरेंडर? कहा, न्याय के खातिर पद छोड़ने को तैयार हूं, मुझे नहीं है कुर्सी की भूख। कांग्रेस नेता उदित राज ने ममता के बयान पर किया कटाक्ष, कहा वो नाटकीय नेता, इस्तीफा देने का कर रही है नाटक, नहीं करेंगे रिजाइन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी बोस ने कहा ममता सरकार बंगाल को संभालने में नाकाम, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों के रूप में विफल, बंगाल के सीएम का किया सामाजिक बहिष्कार। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध मस्जिद पर सियासी संग्राम, मुस्लिम समुदाय ने नगर निगम को सौंपा ज्ञापन, कहा अवैध निर्माण को गिराने के फैसले का स्वागत, वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने फैसले को बताया गैर जिम्मेदार। सुल्तानपुर लूट का यूपी पुलिस ने दिया सबूत, हुआ वारदात में मंगेश यादव भी था शामिल, सीसीटीवी फुटेज में नजर आया मंगेश। आज मांड्या के दौरे पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी दौरे से पहले बोले राज्य सरकार के लिए नहीं है ये कोई मुद्दा, शरारती तत्वों ने की खलल डालने की कोशिश। कर्नाटक के मंड्या में गणेश विसर्जन यात्रा पर पथराव पर एक्शन, पुलिस ने 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, इलाके में तनाव के बीच पुलिस का फ्लैग मार्च। मध्यप्रदेश के इंदौर में आर्मी अफसरों की महिला मित्र से गैंग रेप मामले में 6 आरोपियों की पहचान हुई, 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी।
प्रधानमंत्री मोदी की आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। रैली की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काम जोरों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कुलगाम पुलिस ने की सघन गश्त, हर किसी पर रखी जा रही है नजर, संदिग्धों की पुलिस कर रही है तलाश। अखिलेश यादव के मठ वाले बयान पर संतों में नाराजगी, वाराणसी के संतों ने बयान की निंदा की, बरसाती मेंढक से की सपा अध्यक्ष की तुलना। असम के सोनपुर में रेलवे ट्रैक पर तोड़फोड़ की कोशिश, रेलवे पुलिस कर रही है मामले की जांच, 2 घंटे रुकी रही 3 ट्रेन। उत्तर प्रदेश के झांसी में बारिश की वजह से गिरा मकान, मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हुई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम से निकल रहे शख्स पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी, 6 से 8 राउंड चली गोली। अस्पताल में नादिर की मौत, मृतक पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। यूपी के गाजियाबाद, नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग भारत में, और सबसे पहले बात 7 उन बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए, मठाधीश पर संग्राम है। जी हाँ, अखिलेश यादव जाति जाति कर रहे थे, लेकिन अब उससे निकलकर साधु संतों पर आ गए हैं, मठ पर आ गए हैं, जिस पर विवाद संग्राम हो गया है। देखिए, और संजोली के उस मस्जिद की भी बात करेंगे जिसे टूटने नहीं, टूटने पर सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा राहुल के खिलाफ आज महाराष्ट्र में हल्ला बोल होने वाला है, बीजेपी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। तो वही केजरीवाल को आज जमानत मिलेगी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो वही आज प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र का चुनावी दौरा करने वाले हैं, पहला दौरा होगा हरियाणा चुनाव से संबंधित प्रधानमंत्री का। तो वही देखिए, असम में रेल जिहाद की कोशिश की गई, रेल को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो वही देखिए, सितंबर का महीना, मूसलाधार बारिश है, तो ये आफत भरी बारिश के बारे में भी तमाम अपडेट खबरें आप तक पहुंचाएंगे। दिन भर जो बड़ी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और इस बीच दिल्ली से खबर सामने आ रही है, आपको बता दें ग्रेटर कैलाश में 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई है, जहां जिम के बाहर भी फायरिंग हुई है और जिम मालिक पर गोली चलाई गई है। तो ये खबर सामने आ रही है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से, जहां 7 से 8 राउंड फायरिंग जिम के बाहर हुई है और कुछ हमलावरों ने जिम के मालिक पर गोली चलाई है और अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। जिम के मालिक को जांच में जुटी हुई है पुलिस, गैंगवार की आशंका यहां जताई जा रही है।